नमस्ते दोस्तों, ये बीकानेर रेलवे स्टेशन है और बीकानेर रेलवे स्टेशन का निर्माण का जो श्रेय है वह है बीकानेर के ही सेठ थे 1891 में राय बहादुर दीवान बहादुर सर कस्तूर चंद डागा, एक जो कि बहुत प्रसिद्ध व्यापारी जमींदार परोपकारी और एक अग्रणी व्यवसायी थे और 3,46,000 रुपये के दान के स्वरूप ये रेलवे स्टेशन बना था। राय बहादुर दीवान बहादुर सर कस्तूर चंद डागा एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। अकेले उन्होंने राजस्थान के और स्पेशली बीकानेर के नेटवर्क के लिए 3,17,000 रुपये का दान भी दिया था, रेलवे लाइन के निर्माण में भी मदद दिया था उन्होंने 3,46,000 रुपये का, तो रेलवे स्टेशन बनाने के लिए भी निर्माण किया था। बीकानेर राज्य रेलवे जो है 1924 में BSR के रूप में गठन किया गया था, जिसमें बीकानेर स्टेट रेलवे जिसका नाम था जोधपुर बीकानेर रेलवे के बीकानेर खंड BSR बना था, 1924 में स्थापित हुआ था और 1952 में इसका मुख्यालय बीकानेर में बना था। सबसे पहले जोधपुर रेलवे का जो काम था वो 1882 में मीटर गेज के रूप में जोधपुर रेलवे ने अपना रेल लाइन खोली थी। 1889 में बीकानेर रेलवे JBR बना था। 1924 में JBR जोधपुर बीकानेर रेलवे के को दो घटकों में विभाजित कर दिया गया था, उसकी कार्यप्रणाली और वर्किंग कैपेसिटी के अनुसार। इन दोनों प्रणालियों के नाम थे JSR जोधपुर स्टेट रेलवे और BSR बीकानेर स्टेट रेलवे का गठन किया गया था 1924 में। JBR जोधपुर बीकानेर रेलवे का खंड 1918 में ये तैयार हुआ था। 1936 से 1937 में BSR का गठन और सन 1952 में जोधपुर राज्य रेलवे जोधपुर स्टेट रेलवे और बीकानेर स्टेट रेलवे दोनों का 1952 में भारतीय रेलवे के अंदर अमलगमेशन हुआ था और नॉर्दर्न रेलवे के नॉर्दर्न डिवीज़न के अंदर इसका हिस्सा बन गया था। आपको ये बताएं कि बीकानेर के महाराजा श्री गंगा सिंह जी का एक दम्य इच्छा थी कि रेगिस्तान के इस डेजर्ट के अंदर रेल लाइन लगाई जाए और इसके लिए उन्होंने बहुत दुर्गम प्रयासों के साथ रेल लाइन बनानी चालू की थी। और इस रेल लाइन के अंदर जब उनके पास थोड़ा फंड्स की कमी आई तो बीकानेर के ही राय बहादुर दीवान बहादुर कस्तूर चंद जी डागा ने स्वेच्छा से दान दिया था 1891 में 3,17,000 रुपये का दान दिया था, जिससे बीकानेर का रेलवे स्टेशन और बीकानेर का रेल नेटवर्क उनके सौजन्य से बना था। परंतु आज की तारीख में इनका कहीं भी नाम ना मूर्ति ना कुछ भी नहीं है, लोगों ने इनको भुला दिया है जो बहुत ही बिरला काम किया था। तो इसलिए मैं इनका याद आपको दिला रहा हूँ कि बीकानेर का रेलवे स्टेशन कस्तूर चंद डागा जी के सौजन्य से बना था। कृपया ध्यान दीजिए, रत्नगढ़ के रास्ते हिसार से आने वाली जोधपुर अहमदाबाद के रास्ते सिकंदराबाद को जाने वाली गाड़ी संख्या 0279 हिसार सिकंदराबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। May I have your attention, please? गर्ल के रास्ते हिसार से आने वाली जोधपुर अहमदाबाद के रास्ते सिकंदराबाद को जाने वाली गाड़ी संख्या 0279 हिसार सिकंदराबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। May I have your attention, please? ट्रेन नंबर 0279 हिसार सिकंदराबाद एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 2789 सिकंदराबाद हिसार सुपरफास्ट द्वि साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा 8 दिसंबर से शुरू की गई थी और ये सिकंदराबाद से रात 11:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन शाम 6:35 बजे हिसार पहुंचती है। इसी प्रकार गाड़ी 2790 हिसार से सिकंदराबाद द्वि साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा 11 दिसंबर से चलाई गई थी। यह गाड़ी प्रत्येक शुक्रवार
वह रविवार को हिसार से दिन में 12:50 पर रवाना होकर तीसरे दिन 8:45 पर सिकंदराबाद पहुंचती है। कड़ी संख्या 2790 प्रत्येक शुक्रवार व रविवार को शाम 6:25 पर सिकंदराबाद के लिए रवाना होगी, जिसको कि आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार ये गाड़ी संख्या 2789 सिकंदराबाद से रवाना होने के बाद प्रत्येक गुरुवार व शुक्रवार को 1 बीकानेर पहुंचती है। नमस्ते दोस्तों, बीकानेर के पिक्यूलियर फीचर एस शेप कर्व में आज हम आपको दिखा रहे हैं 4789 सिकंदराबाद से चलकर हिसार की ओर जाने वाली ट्रेन जो वाई वीकली है वो यहाँ आने वाली है। और इस एस शेप पर लहराती बलखाती बहुत ही खूबसूरत जैसे नदी की मस्तानी चाल से निकलेगी, तो देखने में आनंद ही आएगा ऐसा मेरा विश्वास है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। थैंक यू।